बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बहुत सी वीडियो नॉन विनोमेंस स्नेक पे बनाई हैं और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्नेक के बारे में है। बहुत से स्नेक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही इंसान को कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग उनको भी मार डालते हैं, उनको नॉन विनोमेंस स्नेक कहते हैं। ये स्नेक काटते नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे स्नेक भी होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो चलते हैं आज असल वीडियो की तरफ कि नॉन विनोमेंस स्नेक कौन कौन से होते हैं। दसवें नंबर पे है वाटर स्नेक। वाटर स्नेक जो है ये अमेरिका के जनूबी इलाके में पाया जाता है और ये ज्यादातर दरियाओं, मार्शेज में, झीलों में रहता है। ये ग्रे रंग का होता है। और ये आदमी को कुछ नहीं कहता। अगर आप इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो ये एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके काटने से इंसान नहीं मरता, बल्कि ये अपना डिफेंस मेथड इस्तेमाल करता है और एक तरह की स्मेल जो है वो छोड़ता है जो कि इंसान को कुछ नहीं कहती। ये स्प्रिंग के मौसम में सोशल हो जाता है और सनलाइट में ये बहुत ज्यादा अपने आप को फुर्तियां दिखाता है। और ये खास तौर पर फिश, माइस और टर्टल का शिकार करता है, यानी मछली का, उसके बाद चूहे का और टर्टल का। उसके बाद है फोर लाइन स्नेक। फोर लाइन स्नेक ये भी नॉन विनोमेंस स्नेक है और ये यूरोप में पाया जाता है। इसके बॉडी पर फोर लाइन बनी होती हैं जो कि येलोश होती हैं। बड़ा जो अडल्ट होता है, अडल्ट स्नेक जो होता है फोर लाइन स्नेक, वो 1.5 मीटर तक लंबा होता है और ये इटली में पाया जाता है, स्लोवेनिया और ग्रीक में भी ये पाया जाता है। ये भी चूहो और लाइजर और चूहों, छोटे छोटे चूहों को खाता है। उसके बाद है ईस्टर्न गार्टर स्नेक, एंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका। ये इंसान के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए तो ये एलर्जिक हो जाता है और रिएक्शन के तौर पर इंसानों की तरफ भागता है। ये भी एक तरह की स्मेल जो है वो छोड़ता है ताकि अपने शिकार करने वालों से बचा रहे। ये 26 इंच तक लंबा होता है और इसका कलर ब्लैक होता है और इसके साथ 3 पट्टियां होती हैं। उसके बाद है इमारलैंड टी बुआ। ये भी नॉन विनोमेंस स्नेक है। रेन का इलाका जहां बारिश होती है, ज्यादा बारिशी इलाके में, फॉरेस्ट में रहता है और साउथ अमेरिका के इलाके में ये रहता है। ये दरख्तों के, सब दरख्तों के नीचे छुप जाता है और ये मालूम नहीं होता यहां कोई कंस्ट्रक्टर या यहां कोई ऐसा जो है नॉन विनोमेंस है। ये दरअसल इसका रंग इस तरह का होता है कि ये अपने आप को छुपा लेता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 मीटर तक लंबा होता है। ये अक्सर जो है लिखा गया है कि ये ट्री ड्वेलिंग, यानी अक्सर ये दरख्तों पे पाया जाता है ये, क्योंकि अब वहां छुपा लेते हैं अपने आप को और दूसरों को नजर नहीं आता। ये छोटे छोटे एम्फीबियन खाता है, समाल मैमल खाता है, बर्ड्स को खाता है और समाल जो है रेप्टाइल इनकी खुराक होती है। रफ ग्रीन स्नेक, ये भी एक नॉन विनोमेंस स्नेक है। ये साउथ ईस्ट एशियन यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है।
ये ओपन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है और वुड लैंड जहां पर बहुत ज्यादा जंगल होता है वहां पर भी पाया जाता है। ये ग्रीन ग्रास स्नेक होता है और इसकी कॉलरेशन जो है, इसका रंग जो है वो आलो करता है कि वो कैमोफ्लाज करे, यानी वो जहां बैठ होता है किसी को पता नहीं चलता कि यहां पर कोई सांप है या नहीं है। इसकी पतली सी बॉडी होती है, एवरेज जो है 45 इंच लंबा होता है। ये ज्यादातर वक्त अपना ट्री पे गुजारता है, खुराक को तलाश करता रहता है। ये क्रिकेट को खाता है, ग्रास होपर को खाता है और समाल फ्रॉग को खाता है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है बुल स्नेक। ये भी एक लार्ज विनोमिक स्नेक है जो कि कनाडा, वेस्टर्न मेक्सिको और साउथ यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। बुल स्नेक अक्सर जो है बहुत ज्यादा तैश में आ जाता है जब उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है, उसमें कोई विनोमन नहीं होता। इसकी तकरीबन 40 से 72 इंच लंबी होती है। ये तकरीबन बुल स्नेक 40 से 72 इंच लंबा होता है। इसकी क्रीमी और येलोश ब्राउन बॉडी होती है, उसका डार्क पिचेस भी होते हैं। बुल स्नेक खास तौर पर ये किसानों का दोस्त होता है क्योंकि ज्यादातर जो है क्रॉप को खाता है और उसके जो डिस्ट्रॉइंग रोडेंट्स होते हैं चूहे वगैरह उनको भी खा जाता है। चौथे नंबर पर ब्लैक रेड स्नेक, ये भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये नॉन विनोमस होता है। इसका साइज बहुत ज्यादा होता है और एवरेज लेंथ 4 से 6 फीट तक होती है। ये रॉकी एरिया में पाया जाता है और वुडलैंड और हिल्स में भी पाया जाता है। ये भी अक्सर एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि जब उसको छेड़ा जाता है तो ये अपना दिफा करता है। ये भी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये क्रॉप में जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं, माइस होते हैं, मतलब बहुत सी और जो होती है उनको ये खाता है और फार्मर को फायदा पहुंचाता है। मिल्क स्नेक पॉइंट नंबर 3। मिल्क स्नेक बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, देखने में भी खूबसूरत नजर आ रहा है। ये कलरफुल होता है, डार्क ब्लॉचेस होते हैं और लाइटर स्ट्राइप होती हैं इसकी बॉडी पर। इसकी बॉडी पर ब्लैक किस्म की स्ट्राइप्स होती हैं और ये रेड भी इसकी स्ट्राइप होती हैं। रेड भी इसकी स्ट्राइप होती हैं, रेड स्ट्राइप होती हैं इसकी। लेकिन हकीकत में ये इंसानों को कुछ नहीं कहता, ये इसकी रिजेंबलेंस होती है विनोमन स्नेक के। लेकिन जब इसको मजीद तंग किया जाए तो ये भी एक तरह की एक आवाज भी निकालता है और ये आदमियों की तरफ भागता भी है जो उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन इसका काटा मरता नहीं है। दूसरे नंबर पर आता पाइथन। पाइथन एक ऐसा सांप है जो कि लार्जेस्ट होता है और पावरफुल होता है और ये कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जब ये किसी चीज को पकड़ता है तो उसको कंस्ट्रक्ट करके, चाहे वो उसके पेट में भी हो, पड़ा रहता है और जब वो उसका हार्ट बंद हो जाता है तो तब उसको खाता है। ये बहुत बड़ा स्नेक होता है। ये अफ्रीका के सहरा में और एशिया के सहराओं में पाया जाता है। तमाम जितनी भी इसकी स्पीशीज हैं वो नॉन विनोमस होती हैं। ये इंसानों के लिए इसलिए खतरनाक है, जब ये पकड़ लेता है तो उसको मार के खा जाता है या निगल जाता है। अफ्रीकन पाइथन, इंडियन पाइथन, बर्मीज पाइथन, एमिथाइन पाइथन, ये खास तौर पर डेंजरस हैं। कुछ लोग इनको पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं। इसके बाद पाइथन की एक और पहले नंबर पे है पाइथन। वो पाइथन की बहुत जबरदस्त है और वो उसकी मैं आपको सूरत हाल बताता हूं कि वो पाइथन जो है ये भी इंसान को कुछ नहीं कहता, बल्कि आखिरी नंबर पे वन पे हमारा जो है वो राइटिकुलेटेड पाइथन होते हैं जो कि इतने ज्यादा जहरीले नहीं होते। तो ये एक वीडियो है जो नॉन विनोमस पे है। उम्मीद है आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मेरी काफी वीडियोस स्नेक पे हैं और उम्मीद है आप इन वीडियो को देखेंगे और अपने कॉमेंट्स से आगाह करेंगे ताकि मुझे ये पता चले कि वाकई आपने वीडियो लाइक की है या नहीं की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।